वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज का नुस्खा इतना गजब का है, इतना जोरदार है कि जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है ये उसका समाधान कर देगा, जिनको वेट लॉस करना है ये उनका भी समाधान कर देगा, जिनको एलर्जी आए दिन कोई ना कोई सताती है ये उनके लिए भी बेहतरीन है, और जो लोग हार्ट की समस्या यानी जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या ज्यादा रहती है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना चाहते हैं, वो भी इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हार्ट के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, हार्ट की जो मसल्स हैं, ये उनको स्ट्रेंथनिंग देने में मदद करते हैं। समझ गए होंगे आप, बिल्कुल सही समझे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं अर्जुन की छाल के बारे में, और आपको मैं दो नुस्खे ऐसे बना के दिखाऊंगा इसी अर्जुन की छाल से, ऐसे नुस्खे बना के दिखाऊंगा कि वेट लॉस करना है तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल अलग तरीका है अर्जुन की छाल को इस्तेमाल करने का। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना है, तो उसका क्या आसान सा तरीका है, और बाकी के जो दो तरीके हैं वो किस तरीके से बनाने पर आप अपने डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को भी ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, बना के दिखाएंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपने ट्राइग्लिसराइड्स कम करने हैं, अगर आपको जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और आपको खून गाढ़ा है, तो उसके लिए क्या करना है। राइट, तो सबसे पहले ये आप अर्जुन की छाल देख रहे हैं। राइट, ये अर्जुन की छाल को मैंने मोटा मोटा ये कूट लिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक मोटा मोटा मिक्सी में कूट भी सकते हैं, पाउडर भी बना सकते हैं। बारीक पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा ही कर लीजिए, खाना नहीं है इसको, हमने इसको उबालना है। ये देखिए, आप चाहें तो इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको डोज बता देता हूं कितनी, एक बार के लिए 3 से 5 ग्राम चाहिए। राइट, तो ये आप देखिए इतनी सी, ये देखिए सिर्फ इतनी। राइट, ये इतनी सी जो छाल है ये आपने ले लेनी है। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा इसमें, ये गौर से देखिए। ठीक है, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप दूध। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्षीरपाक विधि। और इसके अंदर डालेंगे 1 कप पानी। ठीक है, राइट, और इसको तब तक उबालेंगे जब तक ये 1 कप बाकी नहीं रह जाता। राइट, तो बेसिकली जिनको खून गाढ़ा रहता है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन औषधि का काम करती है। हार्ट को नॉरिश करती है ये। ठीक है, हार्ट की जो मांसपेशियां होती हैं, जो मसल्स होती हैं, उनको स्ट्रेंथ देने का काम करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हार्ट की जो हमारी पंपिंग का एक्शन है, ये उसको भी इम्प्रूव करती है। राइट, तो आपको मैंने इसमें 1-1 कप बताया है। अगर आपके पास समय ना हो तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप 1/2 कप दूध और 1/2 कप पानी उसको मिलाकर भी ले सकते हैं, उसमें भी आपने डोज इतनी सेम ले लेनी है। ठीक है, समय की बात है कि आपके पास समय कितना है, तो वो भी बड़ा इफेक्टिव है। ठीक है, और इस तरीके से आप 1/2 कप, जब आप 1/2 कप लेंगे तो उसको उतना उबालना है, जब वो 1/2 उबल के रह जाए फिर आपने उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इसको आप खाली पेट लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर किसी के पास ये सब भी करने का समय नहीं है तो अर्जुना रिष्ट भी ले सकते हैं। बाजार में किसी भी अच्छी कंपनी की आप अर्जुना रिष्ट ले आइए, और उसकी डोज भी बता देता हूँ। उसकी डोज जो है वो 5 ml से लेके 20 ml तक। ठीक है, आप 10 से 15 ml डोज ले लीजिए। मान लीजिए आपने 15 ml अर्जुना रिष्ट ली, तो 15 ml पानी, उतना ही पानी लेके खाना खाने के 1 घंटे बाद ले लीजिए। सुबह शाम आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो क्षीर पाक विधि मैं बता रहा हूं, ये बहुत बेहतरीन चीज है इस काम के लिए। राइट, ये देखिए अभी ये गर्म होना शुरू हो गया है, अभी उबाला आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अभी आप देखिए, और राइट, तो ये अब उबल के रह गया है 1 कप। ठीक है, तो अब हम इसको छान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको अब हम फिल्टर कर लेंगे। ये देखिए, ये रह गया है 1 कप, पूरा 1 कप। ठीक है, थोड़ा सा पिंकिश कलर का बनेगा ये,
और मैंने आपको बताया समय ना हो तो आप आधा कप पानी और आधा कप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको गुनगुना करके आप इसको पी लीजिए। और चाहे तो देसी खंड भी मिला सकते हैं इसके अंदर, लेकिन रिफाइंड शुगर नहीं डालनी है, ठीक है। ये बेहतरीन चीज़ है उनके लिए जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके लिए क्या करें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके लिए कितना कैसे इस फॉर्मूले को बनाना है। ये अर्जुन छाल, और आपने 3 से 5 ग्राम अर्जुन छाल लेनी है। मैंने मोटी मोटी पीसी है तो आप इतनी आप आसानी से ये ले सकते हैं। आप देखिए, ठीक है, इतनी क्वांटिटी बहुत है। इसको आप पैन में डाल दीजिए। पैन में डालने के बाद आप इसके अंदर 2 कप पानी आपने मिलाना है, राइट। ये 2 कप पानी जो है वो आपने मिलाने हैं इस तरीके से। ये 2 कप पानी है, ठीक है, इस कप का हिसाब लिया मैंने, राइट, इस तरीके से, ओके। और इसको आपने गैस चला के ऑन कर देना है और इसको तब तक उबालना है जब तक ये 1 कप ना रह जाए। और उसके बाद क्या डालना है वो भी अभी बताता हूं। एक बार ये उबल जाए और फिर आप इसका कलर देखिएगा, ठीक है। बेसिकली अर्जुन की छाल जो है ये मेघ धातु जो होती है हमारी, ये उसको कम करने के लिए बड़ी इफेक्टिव औषधि है, राइट। जो हमारा फैट डिपॉजिट हो जाता है, जो आसपास चर्बी जमा हो जाती है ना, ये उसको कम करने का काम करती है, बेसिकली कफ को कम करती है। तो जिन लोगों को वेट लॉस करना है, फैट बर्न करना है, उनके लिए ये बेस्ट औषधि है, राइट। पानी हमारा गर्म होना शुरू हो गया है। वैसे मैंने एक चीज पहले कर दी थी, इसमें मैंने 1 कप गर्म पानी डाला, 1 कप नॉर्मल पानी डाला। आप मत करना ऐसे, मैंने इसलिए किया ताकि वीडियो जल्दी जल्दी बन जाए, आपका समय खराब ना हो, राइट। तो ताकि जल्दी से उबाला आए इसको और मैं आपको वो चीज बना के दिखाऊं जो आपको भी बनानी है, राइट। पानी गर्म होना शुरू हो गया है। ऑलराइट, तो तकरीबन 1 कप बाकी रह गया है मेरे हिसाब से और इसको अब हम छान लेते हैं, राइट। इसका कलर भी चेंज हो गया, बहुत बढ़िया, बेस्ट कलर बना है। वाओ, कोका कोला गर्मा गर्म कोका कोला बन गया भाई, क्या बात है, वेरी गुड। अरे अंदाज़ा बड़ा सही रहता है मेरा वैसे, है ना, पूरा 1 कप है फुल, राइट। ये देखिए, ये बन गया है जोरदार अर्जुन की छाल का पेय। अच्छा, एक बात बताऊं, जिनको वेट लॉस करना है वो भी इस तरीके से इस्तेमाल करें। जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि खाना खाते पॉटी आ जाती है, प्रेशर पड़ जाता है, उन लोगों को भी इस तरीके से इस्तेमाल करना है। और जिनको अर्टिकेरिया एलर्जी की प्रॉब्लम है उनको भी ऐसे ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन जिनको ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो दूध के साथ, क्षीर पाक के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध किसी को सूट नहीं करता तो भी अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर आप चाहें तो जब ये गुनगुना हो जाए, गर्म में नहीं डालना, जब ये गुनगुना हो जाए तब आपने एक इसके अंदर 1 कप शहद, 1 चम्मच शहद जो है उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये मैं यहां पर ले रहा हूं वाइल्ड फॉरेस्ट नीम हनी, मैं कहीं से लेके आया था नीम हनी, राइट। ये इसके, ये बेसिकली नीम के पेड़ पे जो हनी बीज का छत्ता था ये उन लोगों ने स्पेशली निकाल के मुझे दिया था और अब तो थोड़ा सा बच गया, राइट। ये मैं इसका इस्तेमाल करूंगा यहां पे, इसका 1 चम्मच जब ये गुनगुना हो जाए, फिलहाल तो ये गुनगुना नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको डाल के दिखा रहा हूं, ये 1 चम्मच इतना। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल बेक खटके कर सकते हैं जिनको अपना वेट लॉस करना है, राइट। चलिए, ये हमने डाल दिया इसके अंदर। वाह, इसका टेस्ट गजब का आएगा, गजब का टेस्ट आएगा, क्या बात है, छा गए यार, छा गए, वाह, खुल गया जी। गर्म में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गर्म गर्म में डालेंगे ना तो इसकी तासीर गर्म हो जाएगी, थोड़े गुनगुने में डालेंगे फिर ये गर्म तासीर का नहीं रहेगा, क्योंकि शायद जो है योग वही होता है, गर्म में डालो तो गर्मी करता है, ठंडी चीज में डालोगे तो ठंडा करेगा, ठीक है। ये बन गया आपका पेय। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अच्छे से इस वीडियो को देख लिया होगा। अगर अच्छा लगे तो एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा, हौसला बढ़ जाता है, और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए, शेयर करने के लिए और पसंद करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुश रहिए हमेशा।